नमस्कार, मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आज हम बताएंगे ऐसे तीन नियमों के बारे में जिससे आप ये जान सकते हैं कि कितने समय में जो आपकी कमाई है वो दुगनी, तिगुनी या चौगुनी हो सकती है, मतलब कितनी रफ्तार से आपकी रकम आगे बढ़ेगी। और ऐसा ही कुछ दर्शाता है रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 और रूल ऑफ 144। अब इन नियम से निवेश में कंपाउंडिंग के कमाल को आज हम समझेंगे। और क्या यही नियम है जिससे कि आप समझ पा सकते हैं कि आपकी जो रकम है कितनी रफ्तार से बढ़ेगी, और किन बातों का ख्याल रखें जब आप करते हैं निवेश। हमारे साथ इस वक्त है हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। कौन नहीं चाहता है कि उसकी रकम दुगुनी, तिगुनी, चारगुनी हो, लेकिन अगर मालूम चल जाए कि किस रफ्तार से रकम बढ़ सकती है तो क्या ही कहने। और इसका भी तोड़ फाइनेंशियल प्लानिंग में है, क्योंकि ऐसे कुछ रूल्स बने हुए हैं, ऐसे कुछ नियम बने हुए हैं जो कि आसानी से ज्यादा बिना कैलकुलेटर हाथ में लिए पता लगाया जा सकता है कि आपकी रकम कितने समय में दुगनी होगी। और ऐसा ही रूल ऑफ 72 कहता है। इसलिए मैं सबसे पहले इस एक रूल से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। रूल ऑफ 72, ये ऐसा कौन सा मैजिकल फॉर्मूला बनाता है जिससे मालूम चल जाए कि रकम जो है या जो आपके निवेश है वो कितने टाइम में डबल हो सकता है? जी स्वाति, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने कहा। ये तीनों के तीनों रूल जो है बेसिकली पावर ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं। वो समझाते हैं कि किस तरीके से अगर आप अपने पैसे को निवेश करके रखें तो कितने समय में आपका पैसा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, दुगना, तिगना या फिर चौगुना हो सकता है। बट वो रूल पहले बात करने से पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, हर निवेशक को एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट समझने की जरूरत है, वो है कंपाउंडिंग, और जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि जो आप पैसा निवेश करते हैं उसके ऊपर जो आप रिटर्न कमाते हैं, तो उसके अगले साल जो आपको रिटर्न मिलता है वो आपके प्रिंसिपल और जो रिटर्न आपने कमाया उसके ऊपर मिलता है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, अगले साल वो 110 हो गए, तो दूसरे साल में अगर आपको 10% रिटर्न मिलता है तो वो 110 पे मिलेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है बहुत ही अमेजिंगली आपकी वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। कुछ रूल्स हैं, जैसे आपने कहा, शुरुआत करते हैं रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 बेसिकली एज एन इन्वेस्टर वो बोलते हैं ना, बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन में आपको बताता है कि कितना समय लगेगा आपको अपना पैसा डबल करने के लिए। ऑफकोर्स उसके लिए आपको एक रिटर्न को एज्यूम करना होगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ 72 की, तो अगर हम मान के चले कि हमारा पोर्टफोलियो जो है 12% एनुअलाइज रिटर्न कमाता है, तो आपको 72 को 12 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर आपके पास क्या है, 6 नंबर, मतलब 6 ईयर्स लगेंगे आपका पैसे को डबल होने में अगर आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न जो है वो 12% है। ऑफकोर्स ये शुरुआत होगी, फिर आपको सोचना है कि 12% रिटर्न कैसे कमाए। बट जैसा मैंने कहा, बहुत ही सिंपल तरीका है ये देखने के लिए कि अगर मुझे अपना पैसा डबल करना है और मैं एक रेट ऑफ रिटर्न मान के चलूं एज्यूम करके, तो कितने साल मुझे लगेंगे अपना पैसा डबल करने के। तो कितने साल लगेंगे पैसा डबल करने में, ये बताता है रूल ऑफ 72। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा भी शो में शामिल हो चुके हैं। पूनम, बहुत स्वागत करते हैं। हम उन नियमों की बात कर रहे हैं जो कि आसानी से बिना कैलकुलेटर के उंगलियों पर आप गिन सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में इनफैक्ट दुगना, तिगुना, चौगुना कैसा होगा। रूल ऑफ 72 का हमने जिक्र किया है और उसको एक्सप्लेन किया हमारे एक्सपर्ट हेमंत जी ने। दुगना तक तो ठीक है, लेकिन तिगुना भी करना है तो उसके लिए भी एक रूल मौजूद है जिसको हम रूल ऑफ 114 कहते हैं। तो जरा समझाइए रूल ऑफ 114 क्या कहता है। जैसे हेमंत जी ने अभी बहुत अच्छे से समझाया व्हाट इज रूल ऑफ 72, पैसे को दुगना अगर करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ताकि बिना कैलकुलेटर के हम बहुत इजीली एक बेसलाइन कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे ही पैसे को अगर हमें तिगना करना है तो ये रूल ऑफ 114 काम आता है स्वाति। जैसे इसमें डबल करने के लिए हम 72 से डिवाइड करते हैं रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड जो है, वैसे हम इधर रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्टेड है या जो हम चाहते हैं जिससे हमें हमारा पैसा तिगना हो, उसे हम 114 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हम FD की पकड़े 6%, तो रूल ऑफ 114 को अगर अप्लाई करते हैं तो पैसे को तिगना होने के लिए 19 ईयर्स लगेंगे। इसी तरह अगर हम उसे 8% या 10%, वैसे हम अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी का अलग लें
और बॉन्ड्स का अलग लें, तो इस तरीके से हम ये एक बेसलाइन कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने समय में हमारा पैसा दिगना होगा। ओके, तो वन जो रूल ऑफ 114 है उसका भी एक फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से जब अपनी निवेश की प्लानिंग करते हैं वो फॉर्मूला उसमें फिट करके आप पता कर सकते हैं। लेकिन इस पे और भी तमाम फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये नहीं आपने निवेश किया और बस एक रूल लगा दिया कि चलिए मेरा पैसा तो दुगना इतने सालों में हो जाएगा, इतने गुना या चार गुना हो जाएगा। और भी कई फैक्टर्स हैं जो ये पता करने जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर्स को पता करें उससे पहले तीसरा रूल, रूल ऑफ 144। हेमंत जी, हमने बात की कि दुगनी रकम कब तक होगी, ये रूल ऑफ 72 बताता है। फिर तिगुनी रकम कैसे होगी, ये रूल ऑफ 114 बताता है। चौगुनी रकम कब होगी, ये कौन सा रूल बताता है? हाँ देखिए सर, अगर हमें ये जानना है कि हमारी रकम चार गुना कैसे होगी, तो वो रूल है 144 जिसको हम बोलते हैं। रूल बेसिक प्रिंसिपल्स वही है, मतलब आपको एक रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करना है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में कहा कि अगर आप एज्यूम करके चलते हैं कि अगर आपको चार गुना पैसा करना है, तो जाहिर सी बात है आप एक हेल्दी रिटर्न एज्यूम करके चलेंगे। तो मान लीजिए अगर आपने 12% का रिटर्न अगर एज्यूम किया, तो 144 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आता है 12, और 12 मतलब 12 साल लगेंगे आपको अपने पैसे को चौगुना करने के लिए। तो जैसे हमने बात की कि तीनों के तीनों रूल जो है वो बताते हैं दोगुना, तिगुना और चौगुना करने के लिए सिंपल कैलकुलेशन आपको बताते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि अगर आपकी इच्छा एक नंबर तक पहुंचने की है, कितने साल लगेंगे, कितना रिटर्न आपको कमाना होगा, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफी सारी आपको डायरेक्शन भी मिलती है कि अगर आपको 12 साल में अगर पैसा चौगुना करना है तो 12% का रिटर्न कमाना होगा। इसका मतलब ये कि उसके हिसाब से आपकी एसेट एलोकेशन हो और 12 साल तक आपको निवेश करते रहना पड़ेगा। तो आई थिंक दो इंपॉर्टेंट लेसन इन तीनों रूल से निकल के आते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत ही जरूरी। और ये जो रूल्स हैं ये एक तरीके से टूल है, खाली टूल मतलब इससे ये एक तरीका है समझने का कि आपके जो पैसे हैं कितने समय के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये लग रहा है कि मेरे पैसे तो बस मैंने पैसे निवेश किया और अपने आप रकम बढ़ती जाएगी, ये तो तरीका है उसको, ये एक फॉर्मूला है जिसके जरिए आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे में पूनम ये समझना जरूरी है कि कैसे और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक निवेशक के फाइनेंशियल जर्नी में उसे मालूम होने चाहिए जब वो पैसे बनाने के लिए निवेश करते हैं। सिर्फ रूल से तो काम नहीं चलेगा, ऐसे बहुत सारे पैसे बनाने के इर्द-गिर्द बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं एक साथ वो भी। बिल्कुल ठीक कहा स्वाति आपने कि खाली ये रूल्स पता होने से और ये रूल्स में हम प्रोजेक्टेड रिटर्न्स का एक्चुअली कैलकुलेशन करते हैं, फ्यूचर में कितने रिटर्न्स मिलेंगे ये हमें नहीं पता होता है। जैसे कि पहले एफडी के रिटर्न्स 9 से 10% हुआ करते थे, तो वो अब धीरे धीरे कम हो गए। इक्विटी के रिटर्न्स भी हर साल चेंज होते हैं, तो हम चाहते जो हैं वो बिल्कुल वैसा हो जाए, इसके लिए हमें अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहना चाहिए टाइम एंड अगेन। और जो लिमिटेशंस है ये फॉर्मूलाज की बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि ये कांस्टेंट रिटर्न्स नहीं होंगे, ये जस्ट एक बेसलाइन और आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे। जैसे सर ने अभी बताया कि अगर आपको पैसे डबल करने हैं तो आपको 12% रिटर्न्स के अजम्पशन से 6 साल में अगर डबल करने हैं तो 12% के रिटर्न वाला हमें कोई एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। पर अगर वो 12% नहीं मिल रहे हैं तो हमें उसमें फेरबदल करनी होगी या हमारा टाइम होराइजन बढ़ाना होगा। मगर ये सब करने से पहले सबसे जरूरी है निवेशक को अपना टाइम होराइजन पता हो, अपने गोल्स प्रॉपरली डिफाइंड हो कि कौन सी गोल के लिए उन्हें कितने रिटर्न के प्रोजेक्शन से कितने पैसे कमाने हैं। साथ ही उनका सबसे जरूरी रिस्क एपेटाइट पता होना, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है और अग्रेसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी टू गेट द रिटर्न्स, तो वो पूरा पोर्टफोलियो उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देगा, उन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगी। तो ये सब करने के लिए एक पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस लेके प्रोफेशनली आपको हैंडल करते हुए ये रूल्स
का उपयोग करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसलाइन स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करनी चाहिए, जहां से आपको एक जनरल आइडिया मिलेगी कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। पर गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस, ये एक टाइम की बात नहीं है, तो इसे टाइम एंड अगेन रिव्यू करते हुए आपको इसे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और इन रूल्स की मदद से इनफैक्ट हम हेमंत जी जो एक निवेशक है वो समझ सकता है कि कहां पर उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, कौन से एसेट क्लास में, उस हिसाब से वो एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। अगर मानिए किसी निवेशक का गोल है कि उसको 10 साल में 1 करोड़ की रकम चाहिए, लेकिन मौजूदा निवेश से ऐसा कोई फॉर्मूला लगाकर वो उस पर्टिकुलर गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये एक जरिया उसके लिए हो गया ये समझने का और जानने का कि हाँ ये इतना ब्याज मेरे लिए काफी नहीं है, इसलिए उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा या ऐसा एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा जहां पर इतना तो कम से कम ब्याज मिले जिससे उनकी रकम दोगुनी तिगुनी या चौगुनी हो। जी अहमद जी। जी स्वाति, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लेकिन आई थिंक एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली जब हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। ये जो रूल्स है, हमने जैसे पहले भी बात की, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से अपना पैसा डबल ट्रिपल या क्वाड्रुपल कर सकते हैं या चौगुना कर सकते हैं। लेकिन आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो शायद दुगना और तिगना करने से पूरी ना हो, स्पेशली अगर आपका मान लीजिए लंबा होराइजन है, 20-25 साल का है, 15-20 साल का है, बच्चों की एजुकेशन है या आपकी रिटायरमेंट है, तो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज्यादा हो। तो हमें सिर्फ ये देख के कि मेरा पैसा 3 गुना हो गया उससे खुश नहीं होना है। इम्पॉर्टेंट ये है बिल्कुल कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करें, और इसलिए इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग या गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हो। और जैसा पूनम ने भी कहा कि आपके टाइम होराइजन में बहुत क्लैरिटी चाहिए, आपको गोल कितना है आपको वो देखना है। देखिए ये आपको सिर्फ, जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से ये 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं ये जो रूल्स है। एक तो ये कि आपको पैसा अगर बनाना है तो एक लंबे समय तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और दूसरा कितना रिटर्न आपको एम करना है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन आपकी जो अपनी पर्सनल सिचुएशन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको इन्फ्लेशन को कंसिडर करना पड़ेगा, एक गोल तक पहुंचना पड़ेगा। आपको एज्यूम करना पड़ेगा फिर से कि अगर हम मान लीजिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में 15-20 साल, तो हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं, और फिर हमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी है कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहां तक। दूसरी बात, ये जो रूल्स हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि आप लमसम पैसा लगा रहे हो, जबकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लमसम पैसा नहीं लगा सकते हैं, वो सिस्टमैटिक लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ 72, 6 साल में 12% के हिसाब से आपका पैसा डबल होगा। आपने 1 लाख लगाया तो 2 लाख तक पहुंच गया, आपका टारगेट है 2 लाख। लेकिन अगर आपके पास वो लमसम नहीं है तो फिर आपको 2000 रुपए की SIP करनी है तो 2 लाख तक पहुंचने के लिए 6 साल में। प्रॉब्लम क्या है वहां पे, आपका एवरेज ड्यूरेशन जो है वो होल्डिंग पीरियड वो कम हो जाएगा, वो रिटर्न 12% कमाना चैलेंजिंग होगा। दूसरा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ के 1,20,000 हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं समझनी है, ये कहीं ना कहीं ये जो रूल्स हैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ी गाइडेंस जरूर देते हैं। लेकिन जो भी आपको प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो अपनी पर्सनल सिचुएशन, अपने रिस्क प्रोफाइल, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए। खाली इस रूल्स के ऊपर आप डिपेंड करके अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, और सबसे जरूरी है ये जो नियम जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये इन्फ्लेशन फैक्टर इन कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि आपको दुगनी रकम चाहिए कुछ सालों में, लेकिन वो जो दुगनी रकम आपके हाथ में आएगी वो इन्फ्लेशन को बीट करने लायक है, तो वहां पर आपको कैसे प्लानिंग की जरूरत है, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो आज हम बात कर रहे हैं मनी गुरु में हेमंत रुस्तगी से और पूनम रूंगटा से, और सबसे इंपॉर्टेंट अब ये जानना समझना है कि जो आपके निवेश को जो सबसे ज्यादा चीज परेशान करती है वो होती है महंगाई, जो कि साल दर साल बढ़ती चली जाती है। इसलिए जो हम तमाम नियमों की बात कर रहे हैं पूनम यहाँ पर, तो क्या ये जो तमाम नियम है वो इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते हैं? बिल्कुल, इनका इन्फ्लेशन से कुछ लेना देना नहीं है स्वाति। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि कितने परसेंट की कमाई से आप कब कितने टाइम में अपना पैसा डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स कर सकते हैं, इसका रियल कैलकुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर इन्फ्लेशन फैक्टर इन नहीं करी तो कोई भी तरह की प्लानिंग काम आने वाली नहीं है, वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक 25 साल का नजरिया लेके अगर चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट बेटर होता है, लॉन्ग टर्म में ही आप अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं,
और लॉन्ग टर्म में ही इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर किसी ने रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी शुरू करी है और मौजूदा वो 1,00,000 रुपए से अपना घर खर्च चलाते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारा रिटायरमेंट में भी 1,00,000 से घर खर्च चल जाएगा, तो अगर उन्होंने इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं किया तो बहुत बड़ा गैप आएगा। क्योंकि अगर महज एक 5% भी इन्फ्लेशन फैक्टर आप 25 साल के बाद देखते हैं तो 1,00,000 रुपया बन जाते हैं 3,50,000 रुपया, और आगे के रिटायरमेंट के और 25 साल जो बाकी हैं तो उसमें भी इन्फ्लेशन अपना रोल प्ले करेगा। तो पूरी जो प्लानिंग होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है इन्फ्लेशन का। वो अगर फैक्टरिंग नहीं किया तो ये फॉर्मूलाज कुछ काम नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत साइंटिफिक अप्रोच रखना जरूरी है और बहुत क्लैरिटी रख के, बहुत टाइम लेके ये प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, और यहीं पर हेमंत जी काम आता है रियल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि जब हम अपने निवेश में ब्याज को जोड़ते हैं, मतलब जो हम जहां पर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर कितना एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिल सकता है। म्यूचुअल फंड है तो एस्टिमेटेड होगा, फिक्स्ड है तो वहां पर फिक्स्ड रिटर्न होगा। हम शायद ये नहीं देखते हैं कि ये महंगाई से ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रहा है या फिर उसके बराबर है, उससे और भी नीचे है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कितने लोग इसको फैक्टर इन करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है ये? देखिए स्वाति, मुझे लगता है ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो ग्रॉस रिटर्न के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब अगर आपको 7%, 8%, 10% रिटर्न मिला तो उनको लगता है कि इससे हमारा काम चल जाएगा, बट रियलिटी ये है कि जो आप ग्रॉस रिटर्न कमाते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है और फिर आपको इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना है। उसके बाद आपका जो रिटर्न अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जो पैसा है सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। क्योंकि हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। रूल्स की बात करें तो एक रूल ऑफ 70 है जो बेसिकली क्या करता है कि आप अगर मान लीजिए आपने इन्फ्लेशन को अगर 7% के हिसाब से लिया तो 70 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो 10 साल में आपका पैसे की वैल्यू आधी हो जाए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ओवर ए लॉन्गर पीरियड, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, जहां पे आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इक्विटी एलोकेशन है वो ज्यादा होना होगा, क्योंकि वही एक एसेट क्लास ऐसी है अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें जिसमें वो पोटेंशियल है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड, प्रोवाइडेड आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद कर सकती है। अगर आप ट्रेडिशनल ऑप्शंस में ऐसा बड़ा तो अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपका बायस जो है वहां पे है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपके पास एक्चुअली या तो जीरो रिटर्न है रियल रेट या फिर नेगेटिव है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपके लिए एज एन इन्वेस्टर वही रिटर्न इंपॉर्टेंट है जो आपके हाथ में है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि टैक्सेशन कितना है, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे जो रिटर्न है काफी सारे प्रोडक्ट में, स्पेशली हाइब्रिड और जो इक्विटी है, वो काफी टैक्स एफिशिएंट है। और कोशिश ये करनी है कि आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव रहे, ताकि आप इन्फ्लेशन से आगे रहें और कभी ऐसी स्टेज ना आए कि जितनी आपको जरूरत पड़े उससे कम आपके पास पैसा मिले। बिल्कुल, और यही हम चर्चा भी कर रहे थे पूनम, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, कि कैसे जितना लंबी अवधि के लिए आप पैसा लगाएंगे उतना आपका पैसे से पैसा बनेगा। तो लॉन्ग टर्म निवेश के फायदे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए देखते हैं। अगर हम छोटे उदाहरण से आपके जरिए समझें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल कैसे हो सकता है? बहुत ही सिंपल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, कि पैसे से पैसा, ब्याज पे ब्याज जो मिलता है उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि अगर आप 10,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं प्रति माह 25 साल के लिए, तो 25 साल के एंड में आपके 3 करोड़ रुपए बन सकते हैं, अगर हम एक सिंपल 15% का प्रोजेक्टेड रिटर्न पकड़े। और वही अगर महज 5 साल से बढ़ा दिया गया वो समय 25 के बजाय 30 साल कर दिया तो 7.2 करोड़ बनेंगे, यानी 3 करोड़ से 7 करोड़ डबल होने के लिए महज आपको सिर्फ 5 साल चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वो बेटर आपको रिटर्न्स देते हैं।
तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा है वेल्थ क्रिएशन में वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बनता है. लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड लॉन्गर यू कैन एंजॉय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और अब म्यूचुअल फंड का जो इंडस्ट्री है वो मैच्योर हो चुका है. लोगों ने उसमें ये देख लिया है, समझ लिया है और हिस्ट्री बन चुकी है कि जिन्होंने 2008 का डाउन देखा, फिर कोविड के टाइम का डाउन देखा, अप्स देखे, डाउन सब मिला जुला के अगर 15% किसी का रिटर्न बना, तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया वैसे उनका वेल्थ डबल से ट्रिपल से फोर टाइम्स होता गया. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपना समय बढ़ाना है. और जैसे हमने रियल रेट की बात करी, तो अगर हम 15% रिटर्न मानते हैं और साथ में इन्फ्लेशन को अगर जोड़ते हैं, और ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भी गोल के लिए हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करना चाहते हैं या टाइम होराइजन करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर गोल का रिटर्न रियल रेट ऑफ रिटर्न जरूर देखें. बिकॉज हमारे यहाँ जो WPI फिगर्स आते हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो फिगर्स आते हैं इन्फ्लेशन के, वो एज कंपेयर टू इन एक्चुअल लाइफ बहुत अलग है. हमारे यहाँ एजुकेशन का इन्फ्लेशन देखेंगे तो अराउंड 15% चलता है. घर खर्च की चीजों का, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का देखें तो उसमें इन्फ्लेशन 7 से 8% चलता है. तो हर गोल के लिए इन्फ्लेशन अलग होता है, उसे जरूर ध्यान में रखें. और जो आपने रिटर्न कमाया है उसमें और इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, तब जाके आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जिसको हम बहुत मरतबा फैक्टर इन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग में गैप आ जाता है. और बिल्कुल आखिर में हेमंत जी, थोड़ा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है निवेश की प्लानिंग में? हाँ देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और जब कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट है कि आप उस निवेश में लंबे समय बने रहेंगे. तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स को ये होता है, जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जिस फंड में शुरुआत है उसी फंड में आप चलते रहिए. आपकी जो कमिटमेंट है वो एसेट क्लास से, आपकी जो कमिटमेंट वो किसी फंड से नहीं. दूसरी बात, अगर आप हैपहैज़र्डली अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करते रहेंगे तो फिर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होगा. कभी आप निकल रहे हैं, कभी आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपको. एक बार आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बनाया, आपका टाइम होराइज़न डिफाइन किया, एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न किया, उससे अगर आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली इक्विटी एज एन एसेट क्लास का पूरा पोटेंशियल का फायदा आपको होगा. पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैंने बहुत शुरुआत में कहा, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, उसका पूरा फायदा मिलेगा. तो आपको समय समय पे बार बार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं करना है, अपने एसेट एलोकेशन को चेंज नहीं करना है. अगर आप एक कमिटेड हैं पूरे अपने टाइम होराइजन को, तो फिर डेफिनेटली आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा. बिल्कुल, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने आप में एक अनूठा नियम है, जिसको वन ऑफ द वंडर्स भी कहा गया है. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को सही ढंग से करें, सही जगह निवेश करें, जहां पर भी कंफ्यूजन हो एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लें. बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपका पूनम, और साथ ही हेमंत जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस.